पूरे जग में वसे हुए पंजाबी प्यारे हो, बाबा बाजवा चैनल तो इसान बाजवा तुहाडी खिदमत एक नवी वीडियो लैके फिर हाजिर। सलाम कबूल करो, जिंदे वसे रहो। मेरी दुआ है अल्लाह सोहना पूरी दुनिया के जड़िया आफतां परेशानियां ते बीमारियां अजकल पसरिया हुई ने और ये साल जड़ा मुसीबत लैके दुनिया वास्ते आया है, अल्लाह सोहना इनू ख़त्म कर दे अपनी रहमत दे सदके ते पूरी दुनिया अमन च वसे और पूरे लोग सेहत सलामती ते शांति नाल वसन और दुनिया अगे की तरह ही चहल पहल दे विच रहे। तुहानूं पता है कि असी गल कर रहे हैं पूरन बाणी की तुहाडे नाल सांझी कर रहे हैं जिहड़ी दास्तान मैं लिखी पूरन भगत ते राजा रसालू दे बारे च। तो उहदे च असी उत्थे को अपने संग जिथे जिहड़ा पूरन जदों गया राणी सुंदरां कोल ते उन्हें उन्हों मोती ते हीरे ते जवाहर जड़े ने उहदी बगली च पा के देते और वह जदों वापस आया ते आ के ते उन्हें वह गुरु दे अगे लुद्दे ते गुरु उस वेले अंतर ध्यान विच सी और जदों अखां खोलियां तो उन्हें आख्या ओए तू पत्थर कादे वास्ते लै आ वटे कादे वास्ते लै आ। उन्हें आख्या जी मैं ते पता नहीं, मैं ते पहला पोरे च रहा उहदे तो बाद मैनू खूह सुट दिता गया ते मैनू ज़्यादा पता नहीं ते मैं माफ़ी मंगना। तो उन्हें आख्या कि जा वापस दे के आ। वो जदों वापस देन गया तो उत्थे जा के ते दरवाजे ते बैठा ते सुंदरा राणी जिहड़ी सी उन्हें जदों उन्हें वेख्या बालकोनी च बैठी सी ते वह भजदी हुई नंगी पैरी आई ते उन्हें आके आख्या कि अंदर आओ आप अंदर आ जा, तू अंदर आके सेज ते बहो, मैं तेनू इज्जत ना बिठावां। ते उन्हें आख्या कि नहीं आ जिहड़े आ हीरे मोती ने आ पत्थर जिहड़े ने साडे वास्ते ये बिल्कुल बेमुल्ले पत्थर ने, इन्हां दी कोई सीयत नहीं। तो मैनू गुरु जी ने बड़ा झिड़किया और उन्हें झंब के मैनू आख्या कि जा हुणे ही ये वापस करके आ, इस वास्ते कि ये फकीर की लोड़ ही नहीं। असी तो सिर्फ पक्का भोजन कोई रोटी कोई चप्पा कोई अद्धी रोटी सानू दे छड़े तो बस साड़ी वही लोड़ है, इहदे तो वध फकीर की कोई लोड़ नहीं। तो इस वास्ते मैं ये जड़े पत्थर ने ये जड़े हीरे मोती तुसां मैनूं दित्ते ने मैं वापस करन आया। ये गल सुन के तो सुंदरां जिहड़ी सी वह बड़ी मतलब ये है कि उन्हें कहा कि फिर मैं हुण किस तरह तैनू एक रोटी, मैं शहजादी हाँ तो मेरे स्टेटस के ही खिलाफ है कि मैं एक रोटी तेनों हाथ च फड़ा दियाँ, तो ये गल जी है ना ये ठीक नहीं, तो तू अंदर आ तो मेरी गल सुन, मैनू तू बड़ा चंगा लगता है, मैं तेनों वेखनी हाँ तो मैनू बड़ा जहनी सुकून मिलता है। ये गल् जदों करती सी तो पूरन ने हेठां नूं ध्यान किया क्योंकि पूरन के गुरु का हुक्म सी कि किसी भी द्वारे ते जा के अखां उच्चियां नहीं करके वेखना। तो फिर खास करके जिहड़ियां बीबियां ने छोटी नूं धी आखना, वड्डी नूं भैण आखना, उदू वड्डी नूं माँ जी आखना, तो उन्हां नूं इस अदब सत्कार नाल बुलाना है। तो ये जदों सारियां गल्लां कीतियां उन्हें तो वह मतलब यह है कि पूरन जिहड़ी है वह सुंदरां फिर आखन लगी कि मैं फिर ये करांगी कि तो लंगर लावांगी और इहदे वास्ते मैं चाहनी हाँ कि मैनूं इजाजत मिले। तो वह गुरु पूरन ने आख्या कि लंगर की इजाजत जिहड़ी है वह तो मेरे जिहड़े गुरु ने गुरख नाथ अव्वल वो ही दे सकते हैं, लेकिन यह जड़े तुसी यह सारा कुछ ये लै लो और ये साड़ी जरूरत नहीं, तो मैं वापस जा रहा और मैं वापस जा रहा, बाकी तुसा लंगर लाना की करना है ये मेरा काम नहीं ना मेरे मुतलक गल है। तो मैनू तो जो कुछ हुक्म दिता सी मेरे गोरख नाथ ने मेरे गुरु ने वो मैं तुहानू आ के गल सुनाती है। तो ये गल जी है ना ये करके तो पूरन जड़ा है वह बगली झाड़ के तो उतों जदों मुड़िया वापस तो जड़ी वो सुंदरां सी बहुत ज़्यादा निराश हुई, बड़ी परेशान हुई, उहदियां अखां जड़ियां अथरुआं च भरियां सन और वो मतलब यह है कि उहदे दिल की जड़ी इच्छा सी पूरी नहीं हुई। पूरन ने उहदी गल भी ना मन्नी, पूरन उहनां दे अंदर भी ना गया और महल दे अंदर भी उहने पैर ना पाया। तो बड़े तरले करती रही लेकिन पूरन ने कहा कि नहीं, सानू जो फकीरी हुक्म है असां वो ही करना है और ये सारा कुछ करता होया वो पूरन उन्हों मतलब उतों ही दरवाजे तो परत के पिछा आ गया। तो ये जड़ा सारा कुछ जदों वापस आ गया तो सुंदरां भी जिहड़ी सी बड़ी निराशी की हालत उन्हों पिछों जांदिया होया बूहे च खलो के वेखती रही
बड़ा चेर जिन्ना जदों नज़रों ओले हो गया तो फिर बेचारी रोंदी हुई अंदर चली गई। तो आओ असी दसीए तुहानू कि ये जिहड़ी गलबात है ये जिहड़े वाकया ने ये जिहड़ी सारी वापरै इहनू असां पूरन बाणी दे विच शेरां च किवें लिखिया है आओ तुहाडे नाल सांझा करिए। गोरखनाथ ने पूरन नू जिहड़ा पंध दिता कि वरतों बाज ना चानण हुंदा भोले ने फस जांदे ते नेड़े होया राज है खुलदा दूरों टोल सहांदे जग दी शाही माल खजाने जीकण मड़ी पुराणी अज मोए कल दुआ दयाला जीवन मरन कहानी तन कजन नू पावी बचड़ा जिंदा रहन नू खावी ते माया धन तो मुख परतावी पूरन नाम कमावी कूड समुंदरे सच दा बेड़ा मूल कदी ना ठिले ते चूल्हा अंदर अग है बल दी उथे फुल ना खिले जो सबदा तू जाने नगदी धर्मी वणज हदारा ए जीवन दा भेत न्यारा कर लै चंगा कारा ए दुनिया सत जादू करनी कर दी टंजर टूणे जो मालक दी बहनी बहिंदे रहन कदी ना ऊणे जो माया नू सांभे बहुता भुले मरन दिहाड़ा उमरां दा सामान करेंदा पल विच मरे बचारा जिस तन दाम प्यारा थींदा तिस तन राम ना मिलदा मलियां उत्ते फुल गुलाबां किसे ना तकिया खिलदा ते वध जावे घर दौलत बंदिया जां बेड़ी विच पाणी ते बुकां भरी वगाही बाहर ए कम चंगा जानी चंगा बोल अमोल है पूरन चंगी कार सलामी ते जो भी मिठा बोलन सिख दा जित दा खासी आमी अकलां बाजों शकल ना फपदी ते रौ दे बाज ना गन्ने ते बेसिदका अग्ञानी रहिंदा टुर टुर के लिंग भन्ने हीला करते ढूंढ वसीला जीवन दुखी भरिया ते जो मुर्शद तो पुछ ना टुरिया सो ही वक्ती फड़िया सच आखण तो वटे वजदे मुड़वी सच ही बोली ते हीरे नाल तू खिंगर पा के कदी ना इथे तोली जा परतावी हीरे मोती ए नहीं काज फकीरां गल एसाना लथियां लीरां दुनिया नाल की सीरां। ते पूरन मुड़ के सुंदरां वल गया पूरन हीरे बगली पाए सुंदरां दे वल आया बोले गोरख परत कलाया दौलत मोड़ लियाया जद तकिया सी सुंदरां उसनू दूरों नठदी आई आके दिल दी रीझ सुनाई पूरन नीवी पाई आखे एक ही भुलना होई गोरख धन परताया हुक्म होवे तां होर कलावां लाल जवाहर माया मैं दासी तू पूरन मेरा वेखा मूल न रजां पर तू अख उतां नहीं करदा आवन का दियां लज्जां मेरे मैली पैर जे पावें जागन लेख नरासे तू एहसाना नजरी आवें जीवन दे हर पासे। ते पूरन ने जिहड़ा जवाब दिता सुंदरां राणी नूं ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਨ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਖੜਿਆ ਈਕਣ ਆਖ ਸੁਣਾਵੇ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਝਾਤੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੋ ਫਕਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਵੇ ਨਾਰੀ ਵੇਖਣ ਸਖਤ ਮਨਾਹੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਇਹ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਜਵਾਹਰ ਹਾਂ ਪਰਤਾਵਣ ਆਇਆ ਗੋਰਖ ਨੇ ਦਬਕਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕੰਨੋਂ ਪਕੜ ਕਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੌਲਤ ਮਾਇਆ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆਇਆ ਪੱਕਾ ਭੋਜਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਥੋਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਗੋਰਖ ਦਾ ਬਚਨ ਨਿਭਾਵਾਂ ਇਹੋ ਕਾਰ ਕਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣ ਹੁਕਮ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੂਹੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ ਅਤੇ ਬਦਕਾਰੀ ਰੰਗ ਕਦੀ ਨਾ ਰੰਗਾਂ
ਤਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ੀ ਜੇਕਰ ਗੋਰਖ ਥੀ ਵੇ ਰਾਜ਼ੀ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਜੇ ਬਣਿਆ ਗਾਜ਼ੀ ਬਨਸਾਂ ਫਿਕਰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਰੂਪ ਜਵਾਨੀ ਇਹ ਢਲਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਸ ਧੋਖੇ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰ ਸਤਾ ਗਵਾਵਾਂ ਮਾਲਕ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸੰਝਾਪੇ ਮੁੱਕਦੇ ਸਿੜੀ ਸਿਆਪੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭੇਤ ਪਛਾਣੇ ਜੱਗ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਜਾਪੇ ਮਾੜਾ ਮਰਦ ਤੱਕੇ ਮੂੰਹ ਹਰਦਾ ਤਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤੱਕੇ ਜਿਸ ਵੱਲ ਸਭੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਫੇਰਨ ਉਹ ਫਲ ਛੇਤੀ ਪੱਕੇ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੁੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਸੇ ਮੁੜ ਹਰ ਹਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਵੇਖਣ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭੇ ਉਹ ਨਾ ਝਾਤ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਵਣ ਮੁੜ ਕੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਸਾਬਤ ਸਿਦਕੋਂ ਪੈਰ ਅਗੇਰੇ ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਲੇਵਾ ਬਣਦਾ ਤਿਸ ਦੀ ਬਣੇ ਕਹਾਣੀ ਲੱਖ ਸੁਨੱਖਾ ਰੂਪ ਜੇ ਹੋਇਆ ਬਿਨ ਸਿਦਕੋਂ ਕਿਸਕਾਰੀ ਓੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਬਰੇ ਪੈਣਾ ਕਰ ਲੈ ਤੁਰਤ ਤਿਆਰੀ ਪੈਰ ਸਵਾ ਦਾ ਫੇਰਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਤ ਪਧਾਰਾਂ ਵਾਧੇ ਸਾਨਾ ਠਹਿਰ ਨਾ ਸਕਣਾ ਇਹੋ ਅਮਰੀਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਗੋਰਖ ਵੱਲੇ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬਗਲੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੰਦਰਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਤੁਰ ਪਈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਾਜਵਾ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ।